Good morning, dear students. I hope you all are fine at your home. Now, let us start with our part 6 of the chapter. This lecture is in the continuation of the last lecture which we have learned. Okay, let us just give a quick recap to what we were doing in the last lecture. In the last lecture, we have learned how to set a primary key. Basically, we have learned what a primary key is. After that, I have told you the steps how to set a primary key, how to set a particular field as a primary key, या फिर किसी और फील्ड को अगर आपने पहले से प्राइमरी की सेट कर रखी है तो उसे कैसे चेंज कर सकते हैं. ठीक है, आफ्टर दैट आई हैव टोल्ड यू वट इज गोइंग टू अपेयर ओवर द ड्रॉप डाउन मेन्यू एंड वट यू हैव टू सेलेक्ट टू सेट अ पर्टिकुलर फील्ड एज अ प्राइमरी की. देन I have also told you how to change an existing primary key to another field. Okay, I have also told you what is the mark that is going to come over the field which you have set as a primary key. A key ban ke aa jayegi us particular field ke adjacent pe. Theek hai, now I have also told you ki how you are going to save the table after you have made the fields, you have set a primary key in your field and save your table. Now proceeding further, in today's topic we are going to understand field properties. Basically, field properties hoti kya hai. Now let us read what is field property. Basically, each field has a set of properties jo define karta hai us particular field ko aur control karta hai. Field jo ki humne last lecture mein banayi thi, theek hai, that particular student ID, name, class, transport and fees. Those were the field of our table. ठीक है, अब उनकी properties कैसे हम define करेंगे. These property include basics such as its size. उस field का size क्या होगा, उस field का formatting कैसे होगी, कैसे वो appear होगा जब आप उसे finally print करेंगे. ठीक है, basically rules हैं कैसे field में data enter करना है और किस type का data enter करना है. Okay. There are two field properties type. पहला है आपका text और second है आपका number. ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे text field type को. अब text field type में आपको कुछ ये दिख रहा है, field property separation दिख रहा है. ऊपर आपने ये table थी, आपका ये design view था, नीचे आपका separation है field की properties का. Basically ये field properties open करने के लिए आपको एक field select करनी पड़ेगी जो कि text field type हो. ठीक है, फिर आपके पास ये पर्टिकुलर फील्ड प्रॉपर्टीज आएंगी. सबसे पहला होगा एंट्री रिक्वायर्ड. अब व्हाट डू यू मीन बाय एंट्री रिक्वायर्ड. एंट्री रिक्वायर्ड मतलब आप कभी कोई फॉर्म फिल करते हैं ऑनलाइन या फिर कोई फॉर्म सबमिट करते हैं तो उसमें विदाउट फिलिंग दैट एंट्री आपका फॉर्म प्रोसीड नहीं होता है या फॉर्म एक्सेप्ट नहीं करता है. ठीक है, तो ये वही पर्टिकुलर थिंग है इस टेबल फील्ड में. ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, अगर आपको इसको नो की जगह येस करना, यू हैव टू क्लिक ओवर द एरोस, आपके सामने ऑप्शन आएंगे, यू हैव टू सिलेक्ट येस. अब ये फील्ड प्रॉपर्टी इन्फॉर्मेशन, इनकी फील्ड की जो प्रॉपर्टीज हैं उनके रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको इनसे मिलेगी. इधर प्रॉपर्टी इन्फॉर्मेशन, इफ यू आर अनअवेयर अबाउट द फील्ड प्रॉपर्टीज यू कैन सिलेक्ट द प्रॉपर्टी एंड द इन्फॉर्मेशन वुड बी अवेलेबल हेयर ओनली. ठीक है, आप देख के उसके अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं. अब फील्ड की लेंथ, बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट फील्ड की लेंथ जो है वो 100 कैरेक्टर्स की होती है इंक्लूडिंग स्पेसेस. अब लेंथ से क्या मतलब है, मतलब इतना ही आप टाइप कर सकते हैं इसमें इंक्लूडिंग स्पेसेस, इससे ज़्यादा आप टाइपिंग नहीं कर सकते. आप फील्ड की लेंथ कम भी कर सकते हैं या ज़्यादा भी कर सकते हैं 100 से. 100 बाई डिफ़ॉल्ट उसमें वैल्यू रहती है. अब डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होती है, अब जैसे कोई फील्ड है, ठीक है, उसमें आपको एक ही टाइप का डेटा चाहिए. ठीक है, और आप चाहते हैं कि आपका टाइम कंज्यूम ना हो तो आप उस फील्ड को सिलेक्ट करेंगे, उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे देंगे. जैसे मेरा हो गया, मेरे को मार्क्स इनपुट करने हैं. ठीक है, मैंने उसमें टोटल मार्क्स लिख रखे हैं, मैक्सिमम मार्क्स एंड मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट. जो मार्क्स होंगे, टोटल मार्क्स जो होंगे, मतलब मैक्सिमम मार्क्स, वो तो सेम रहेंगे, वो चेंज तो होने नहीं है, तो मैं क्यों अपना टाइम वेस्ट करूँगा फील्ड में उसे फिल करने के लिए. तो मैं डिफ़ॉल्ट वैल्यू उसकी दे दूँगा. ठीक है, कि वो 100 हो गए जैसे या 20 हो गए. ठीक है, तो इससे होगा क्या, उसके लिए हम आगे एग्जांपल देखेंगे.
जब आप फील्ड को ओपन करोगे फिल करने के लिए, वो पर्टिकुलर एरिया बाय डिफॉल्ट फील्ड रहेगा, आपको फिल करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको वही एंट्री चेंज करनी होगी जो रिक्वायर्ड होगी। अब फॉर्मेट एग्जांपल पे आते हैं। अब बेसिकली फॉर्मेट एग्जांपल क्या होता है, कोई फील्ड है जिसमें कोई न्यूमेरिक डेटा है जैसे फीस है, तो उस पर्टिकुलर फीस की फॉर्मेटिंग कैसे होनी चाहिए जब वो प्रिंट होके आए। अब रुपीस होंगे तो करेंसी होगी, तो उसके आगे रुपीस का साइन होगा या डॉलर का साइन होगा, प्लस सेपरेशन रहेगा उसका कॉमास के थ्रू। तो ये फॉर्मेट आप फॉर्मेट एग्जांपल से उसे डिफाइन करेंगे वहाँ पे, समझ रहे हैं। या फिर आप टाइम देते हैं तो टाइम भी आपका न्यूमेरिक होता है, टाइम कैसे अपेयर होगा, मिनट्स, सेकेंड्स, मिली सेकेंड्स, ठीक है, आवर्स, इस तरीके से या फिर किसी और तरीके से। वैसे ही डेट भी होती है, डेट कैसे आएगी, पहले मंथ आएगा, फिर डे आएगा, फिर ईयर आएगा, या फिर ईयर पहले आएगा, फिर मंथ आएगा और फिर डे आएगा। दीज आर द एग्जाम्पल। तो वो आपको वहाँ पे फॉर्मेट एग्जाम्पल में डिफाइन करने पड़ते हैं। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा फील्ड प्रॉपर्टीज टेक्स्ट के लिए। नाउ नेक्स्ट प्रोसीडिंग फर्दर। अब हम आ जाते हैं फील्ड प्रॉपर्टीज नंबर के रिकॉर्ड में। इसके लिए आपको ऐसी फील्ड सिलेक्ट करनी पड़ेगी जिसमें न्यूमेरिक डेटा हो बेसिकली, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे बाय डिफॉल्ट इसकी भी लेंथ जो है 100 ही रहेगी, इस फील्ड की भी, ठीक है, न्यूमेरिक डेटा की फील्ड की। बेसिकली न्यूमेरिक डेटा की बाय डिफॉल्ट 10 ही रहती है, यहाँ पे 100 की दिखा रखा है, आई डोंट नो, 10 रहेगी न्यूमेरिक डेटा की, ठीक है। अब डेसिमल प्लेसेस का यहाँ पे एक फील्ड नहीं आ जाती, बाकी सब वैसे की वैसी सेम है। डेसिमल प्लेसेस क्या करता है, कभी कभी आपने मैथमेटिक्स में क्वेश्चन किया होगा जिसमें कह रखा होगा आपसे कैलकुलेट द वैल्यू अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, बाकी जितनी वैल्यू आती होगी आप राउंड ऑफ कर देते होगे, ठीक है। तो यहाँ पे डेसिमल प्लेसेस अगर आपको निकालनी है, कोई कैलकुलेटिव फील्ड बना रहे हैं आप, तो आप उसका बताएंगे कि कितनी डेसिमल प्लेसेस तक कैलकुलेशन को कैरी फॉरवर्ड करना है, 2 डेसिमल प्लेसेस तक, 3 डेसिमल प्लेसेस तक, 4, या फिर 0। बाय डिफॉल्ट 0 रहता है, 0 मतलब डेसिमल प्लेसेस कैलकुलेट ही नहीं होंगी, समझ में आ रहा है। दिस इज़ द वर्क ऑफ डेसिमल प्लेसेस। बाकी डिफॉल्ट वैल्यू आपको पता है, आपको बार बार एंटर ना करना पड़े, आपका टाइम बचे, इसलिए हम लोग डिफॉल्ट वैल्यू का यूज़ करते हैं फील्ड के लिए। फॉर्मेट एग्जाम्पल ऑलरेडी आपको मैंने समझाया था, किसी पर्टिकुलर फॉर्मेट कैसे अपेयर होगा जब आप उसे प्रिंट करेंगे पर्टिकुलर टेबल को, यहाँ पे आप डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट, अब यहाँ पे क्या दिखा रहा है, यहाँ पे आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है फील्ड की प्रॉपर्टीज के रिगार्डिंग। आई थिंक मैंने आपको इनफ एक्सप्लेनेशन दे दिया है। यू इफ़ यू वॉन्ट टू रीड देम यू कैन रीड इट, इफ़ एनी क्वेरी अराइजेज यू कैन कॉन्टैक्ट मी रिगार्डिंग दैट, ओके। आगे नेक्स्ट स्लाइड में भी आपको यही दिख रहा है, फॉर्मेट एग्जाम्पल के बारे में, प्रॉपर्टी इन्फॉर्मेशन के बारे में, डेसिमल प्लेसेस के बारे में आपको बताया है, ठीक है। नेक्स्ट हम प्रोसीड करते हैं आगे। बिफोर प्रोसीडिंग वन मोर थिंग आई वॉन्ट टू टेल यू स्टूडेंट्स, बेटा आई थिंक मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स आर जस्ट कमिंग हेयर टू मार्क देयर अटेंडेंस एंड दे डोंट वॉन्ट टू अटेंड द क्लास, दे जस्ट वॉन्ट टू पुट प्लेस देयर अटेंडेंस इन द रिस्पेक्टिव क्लासेस एंड आफ्टर प्लेसिंग देयर अटेंडेंस दे डू नॉट यूज टू वॉच द वीडियोज। बेटा CBSE की गाइडलाइंस हैं जिनके अकॉर्डिंग जो हम अभी ऑनलाइन क्लासेस में आपको पढ़ा रहे हैं, इट वुड नॉट बी रिपीटेड, आपको रिपीटेशन नहीं होगा, सिर्फ क्या होगा, रिवीजन करवाया जाएगा। उसको माइंड में रखते हुए आप सारे सब्जेक्ट की क्लासेस को अटेंड करिए, ठीक है, समझ में आ रहा है। नाउ सेटिंग फील्ड लेंथ प्रॉपर्टीज। अब हम यहाँ पे खाली फील्ड लेंथ प्रॉपर्टीज के रिगार्ड में बात कर रहे हैं, और बाकी प्रॉपर्टीज के बारे में इन्होंने बताया नहीं है, जैसे एंट्री रिक्वायर्ड या फिर डिफॉल्ट वैल्यू। अभी हम देखते हैं, धीरे धीरे बताएंगे कुछ फील्ड के बारे में। यहाँ पे हमें खाली हम फील्ड टाइप के बारे में, टेक्स्ट फील्ड टाइप की लेंथ के बारे में डिफाइन करेंगे। डिफॉल्ट लेंथ फॉर अ फील्ड विद अ डेटा टाइप टेक्स्ट इज 100 कैरेक्टर। 100 कैरेक्टर की उसकी लेंथ रहती है, मतलब 100 कैरेक्टर से ज़्यादा आप उसमें कुछ टाइप नहीं कर सकते हैं। आप कम करना चाहते हैं कम कर सकते हैं, और बढ़ाना चाहते हैं बढ़ा सकते हैं, बट बाय डिफॉल्ट 100 प्लेसेस तक की स्पेस वो आपको देगा कि आप उसमें टाइप कर सकें, ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना है, अगर चेंज करने है वैल्यू में, एज शोन इन द फिगर यू हैव टू सिलेक्ट द पर्टिकुलर फील्ड, ओके। आफ्टर सिलेक्टिंग द फील्ड उसकी प्रॉपर्टीज ओपन होके आ जाएंगी। अब वहाँ पे आपको लेंथ पे जाना है, यू हैव टू क्लिक ओवर देयर, प्रेस बैक स्पेस एंड चेंज द प्रॉपर्टीज और चेंज द लेंथ एज पर योर रिक्वायरमेंट, ओके। अभी बेसिकली हम लोग लेंथ क्यों डिफाइन करते हैं, लेंथ हम इसलिए डिफाइन कर देते हैं ताकि हमारे एरर के चांसेस कम हो जाए। मतलब इतने कैरेक्टर में हमें पता है नेम आ जाएगा, इससे ज़्यादा कैरेक्टर होंगे तो हो सकता है कि कभी कोई प्रॉब्लम हो जाए,
कोई सिचुएशन गड़बड़ हो जाए, हो सकता है ना। तो ये हमारी फील्ड की प्रॉपर्टी सेट हो गई। यहाँ पे इन्होंने लेंथ रिक्वायरमेंट कर दी है 80, यहीं पे है हम लोग सेम। चेंज हो गई हमारी फील्ड प्रॉपर्टी टेक्स्ट फील्ड टाइप के लिए, ठीक है। नेक्स्ट अब हम करेंगे नंबर फील्ड टाइप के लिए। उसके लिए हमें एक फील्ड सिलेक्ट करनी होगी जिसमें डेटा टाइप हमने पहले से नंबर ले रखा होगा, जैसे हमने फीस को यहाँ पे सिलेक्ट करा। और फीस के लिए जो हमने डिफॉल्ट डेटा टाइप सिलेक्ट किया था वो था नंबर या फिर न्यूमेरिक, ठीक है। अगेन सेम प्रोसेस है, अगर आपको फील्ड की प्रॉपर्टीज चेंज करनी है। हाँ वन मोर थिंग, इस फील्ड की डिफॉल्ट लेंथ 10 रहेगी, न्यूमेरिक डेटा की फील्ड की लेंथ 10 रहती है, ठीक है। अगेन आपको क्लिक करके सिलेक्ट करना पड़ेगा उस पर्टिकुलर फील्ड को। ये एरो यहाँ अपेयर हो गया, मतलब आपने इस पर्टिकुलर फील्ड को इस समय करेंटली सिलेक्ट कर रखा है। ये हाईलाइट होके भी आ जाती है ब्लू कलर से, ठीक है। अब आप फील्ड प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे तो आप इसकी फील्ड प्रॉपर्टीज़ में चेंजेस कर सकते हैं। एंट्री रिक्वायरमेंट येस और नो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। लेंथ क्या रखनी है, बाई डिफॉल्ट 10 है, कम करनी है 5 कैरेक्टर्स की रखनी है तो 5 कर लीजिए। आपको पता है कि कितनी फीस होगी मैक्सिमम आपकी किसी भी स्टूडेंट की, तो इससे क्या होगा एरर के चांसेस बच जाएंगे। बाई चांस डेटा एंट्री करने वाले ने ज़्यादा जीरो प्रेस कर दिए या गलत गलती से 4-5 बार टाइप कर दिए तो उसकी एरर्स की मिस्टेक बच जाएंगी। डेसिमल प्लेसेस, अगेन अगर आपकी फीस जो है डेसिमल प्लेसेस में कैलकुलेट होती है तो यहाँ पे आप मेंशन करेंगे कि अब तो कितने डेसिमल प्लेसेस तक आपको फीस की कैलकुलेशन चाहिए, ठीक है। नहीं चाहिए, बाय डिफॉल्ट 0 वो रहेगा। ये हो गया सेटिंग फील्ड एंड प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर फील्ड टाइप। मुझे लगता है समझ में आया होगा। देन ये प्रोसीड करते हैं सेटिंग अ डिफॉल्ट वैल्यू। अब यहाँ पे हम लोग डिफॉल्ट वैल्यू के बारे में डिस्कस करते हैं। डिफॉल्ट वैल्यू बेसिकली क्या वर्क करती है हमारे लिए। डिफ़ॉल्ट वैल्यू बेसिकली क्या करती है, डेटा एंट्री स्पीड को इन्हेंस कर देती है उन फील्ड्स के लिए जो कि एक तरीके का डेटा कंटेन करते हैं, बाय मेकिंग द वैल्यू एज डिफ़ॉल्ट। मतलब कि बाय डिफ़ॉल्ट वो वैल्यू वहाँ पे प्रेजेंट रहेगी पहले से ही, आप जब फील्ड में अंदर एंटर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमें पता है कि हम कुछ इन्फॉर्मेशन पुट कर रहे हैं बच्चों के बारे में, ठीक है। 90% ऑफ द स्टूडेंट्स जो हैं वो कथक डांस सीख रहे हैं, तो आप कथक को एज अ डिफ़ॉल्ट वैल्यू डांस प्लेस कर सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक है। जो एक आध दो अलग डिफरेंट डांस होगा तो उसको आप जब फील्ड में डेटा एंटर कर रहे होगे तो चेंज ही कर लोगे, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम जो आपको टाइप करना है कथक, वो आपका टाइम सेव हो जाएगा। इसके लिए आपको क्या सिलेक्ट करना है, पर्टिकुलर फील्ड सिलेक्ट करनी है जिसमें आपको डिफॉल्ट वैल्यू प्लेस आउट करनी है। आपको फील्ड प्रॉपर्टीज़ में जाना है, सेकेंड पॉइंट टाइप करना है जो कि आपकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू रहेगी, न्यूमेरिक में भी हो सकती है और वो आपका कैरेक्टर्स में भी हो सकती है। तो यहाँ पे हमने कथक प्लेस कर दिया है, ठीक है। बेस ऑटोमेटिकली कोटेशन मार्क्स ऐड कर देगा वट एवर यू टाइप इफ द फील्ड टाइप इज टेक्स्ट। अगर वो फील्ड टाइप टेक्स्ट होता है कोटेशन मार्क ऑटोमेटिकली यूज़ कर लेता है वो। अब यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू प्लेस करने से फ़र्क क्या पड़ा, बेसिकली ये जो ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहा है ये तब अपेयर होगा आपके सामने जब आप टेबल को सेव कर देंगे बेसिकली, ठीक है। उसके लिए आपको सेव करना पड़ेगा, वो हम नेक्स्ट स्टेप अभी पढ़ेंगे। तब होगा क्या, जब आप अपने टेबल में डेटा एंटर करने के लिए ओपन करेंगे तो ये जो डांस की वैल्यू है जो आपने यहाँ पे सिलेक्ट करके डिफॉल्ट वैल्यू टाइप प्लेस करी थी ऑलरेडी होगी, बाकी फील्ड्स खाली होंगी क्योंकि उनमें तो आपने कोई डिफॉल्ट वैल्यू डाली नहीं है, ठीक है। तो ऐसी सारी फील्ड जितनी भी आप बढ़ाते जाएंगे उसमें कथक एज अ डिफॉल्ट वैल्यू फॉर डांस प्रेजेंट रहेगी। इससे क्या होगा, आपका डेटा एंट्री का टाइम बचेगा, आपको कथक बार बार टाइप करना नहीं पड़ेगा। मुझे लगता है डिफॉल्ट वैल्यू आपको समझ में आया होगा। इसका एग्जांपल हम करेंगे लेकिन नेक्स्ट वीडियो में, इसमें खाली एक एक्सप्लेनेशन पार्ट रहेगा। नाउ नेक्स्ट, सेविंग एंड क्लोजिंग द टेबल। देखिए ये स्टेप बाद में होता है, हमने बेसिकली पहले कर लिया था, ठीक है। अब यहाँ पे हमने चेंजेस करें फील्ड प्रॉपर्टीज में, हमने ऑलरेडी टेबल सेव कर रखी है, ठीक। अगर हमने टेबल सेव नहीं करी है तो क्या होगा, और टेबल सेव कर रखी है तो क्या होगा, किस तरीके का अपीयरेंस होगा। आपको सेव करने के लिए हेयर वुड बी अ फ्लॉपी आइकन बना हुआ आएगा, ठीक है। यू हैव टू क्लिक ओवर इट एंड योर फाइल वुड बी सेव्ड ऑटोमेटिकली। आपके सामने कोई भी डायलॉग बॉक्स ओपन होके नहीं आएगा, ठीक है। जैसे आपका प्रीवियस हमने जब पढ़ा था उसमें डायलॉग बॉक्स ओपन होके आया था जिसमें आपने नेम एंटर किया था। अब इसमें हमें नेम एंटर नहीं करना है क्योंकि हमने वही टेबल ओपन करी जो ऑलरेडी सेव्ड है। आपको इसको जो हमने चेंजेस करें उसके साथ सेव करना है, इसलिए आपने सेव बटन पर प्रेस करा और उसी डिफ़ॉल्ट नेम से वो सेव हो जाएगी ऑटोमेटिकली। एक और शॉर्टकट की है जिससे आप सेव कर सकते हैं कीबोर्ड की, कंट्रोल प्लस एस। कंट्रोल प्लस एस
हर प्रोग्राम में बेसिकली यूज़ होती है किसी भी फाइल को सेव करने के लिए। अगर आप उसे प्रेस करेंगे तो भी सेव हो जाएगी। उसके बाद आप विंडो कंट्रोल बटन्स पे जाएंगे, क्रॉस पे क्लिक करेंगे और आपकी टेबल क्लोज हो जाएगी। तो दिस वॉज द होल थिंग विच वी वर गोइंग टू लर्न इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर। सो अब आगे नेक्स्ट लेक्चर के लिए हम लोग एडिंग अ रिकॉर्ड टू अ टेबल पढ़ेंगे और हमारा चैप्टर ये टू फिनिश हो जाएगा। प्लीज़ डियर स्टूडेंट्स, focus on the things which we are teaching you in the online classes. Things are not going to be repeated. Please keep that things in your mind. I am able to recognize some of the students used to come in the classes just for marking their attendance. Please watch the lectures which we are making. It takes our much of time. Okay, it takes our time and energy to make these lectures. Please don't waste our efforts and your time. Thank you. Keep revising, keep learning.